हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं। ओके, सो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। विच कंट्री इज़ नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो देखो, किस देश को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा। बेल्जियम को जो है तो यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। देखो, बेल्जियम जो है तो बेनेक्स कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। बेनेक्स कंट्रीज़ में तीन देश आते हैं, वह कौन कौन से हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बाकी बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। क्या है? ब्रुसेल्स। ओके, तो यहाँ से इन दो तीन पॉइंट्स को ही आपको नोट रखना है। 82 क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखो, अगर सबसे चमकीले की बात करें, सबसे फिर गर्म ग्रह की बात करें, तो सबसे चमकीला या फिर सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा वीनस, यानी कि शुक्र। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसी को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर भी इसी को कहा जाता है। ओके, तो इन कुछ पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। 83 क्वेश्चन, रिफ्ट वैलीज़। तो बिभ्रंश घाटी किसको कहते हैं? तो देखो, बिभ्रंश घाटी किसको कहते हैं? भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। ओके, ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 84, डेल्टाइज। तो नदी मुख भूमि किसे कहते हैं? तो देखो, नदी मुख भूमि किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीयाकार की भूमि, यानी कि ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड बिटवीन इट्स ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 85 क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डेज। तो सबसे छोटा दिवस कौन सा होता है? तो देखो, सबसे छोटा दिवस होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक। तो इराक का पुराना नाम क्या था? तो देखो, इराक का पुराना नाम था, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, मेसोपोटामिया। 86 का यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया। देखो, इराक की अगर करंटली जो इसकी कैपिटल है उसकी बात करें, तो इसकी कैपिटल है बगदाद। बगदाद इसकी कैपिटल है। ओके, बाकी आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इराक में ही थी। ओके, मतलब इराक साइड में ही थी, इराक में ही थी, ये आप कह सकते हो। जो इराक वाले लोग हैं वह जो है तो सुन्नी धर्म को मानते हैं। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को मानते हैं। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। देखो, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बना हुआ है, मैं आपको तभी बता रहा हूँ। यह शिया धर्म को नहीं मानते थे, बल्कि किस धर्म को मानते थे? सुन्नी धर्म को यह मानते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, जोडाइक इज अ बेल्ट ऑफ। राशि चक्र एक पट्टा है। तो देखो, राशि चक्र एक पट्टा है 12 कंस्टेलेशन, यानी कि 12 नक्षत्रों का। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 87 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 88 क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88 है, समर सोल्स्टिस ऑकर्स ऑन। तो कर्क संक्रांति कब होती है? तो देखो, कर्क संक्रांति होती है जून 21 को। ऑप्शन अब बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 का ऑप्शन बी करेक्ट। 89 क्वेश्चन की बात करें, हट्स ऑफ स्नो हेयर एस्कीमोज लाइव आर कॉल्ड। बर्फ की झोपड़ी जहाँ पर एस्कीमो रहते हैं क्या कहलाती है? तो देखो, बर्फ की झोपड़ी होती है वहाँ पर लोग रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इग्लू। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 89 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, ये जो एस्कीमो वगैरह होते हैं, ये जो है तो बेसिकली जो है तो कनाडा और यूएसए में देखने को मिलते हैं। ओके, ये इग्लू झोपड़ियाँ जो है तो बेसिकली कहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये कनाडा और यूएसए में देखने को मिलती हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, 90 क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 90 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 116 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेज सेपरेट द कश्मीर वैली फ्रॉम द इंडस वैली। तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? तो बताओ वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कश्मीर घाटी और सिंधु घाटी को अलग करती है? तो वह है ग्रेट हिमालयन रेंज यानी कि वृहद हिमालयन पर्वत श्रेणी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 117 है। कार्डमम हिल्स आर आल्सो नोन एज। तो इलायची पहाड़ियाँ इस नाम से भी जानी जाती है। देखो पहले तो आपको ये नोट रखना है, इलायची पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर एक और पॉइंट की बात करें, देखो इलायची पहाड़ियों को जो है तो यहाँ पर ऑप्शन, वैसे हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट होगा, पलानी पहाड़ियाँ। ओके, इलायची पहाड़ियों को पलानी पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। बट इसके अलावा इनको जो है तो इसको जो है तो इला मलय पहाड़ी भी कहा जाता है। ओके, इला मलय पहाड़ी। ओके, तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 118 क्वेश्चन की बात करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा ऑन इट्स राइट बैंक इज। तो गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो देखो गंगा नदी के दाएं किनारे की सबसे महत्वपूर्ण नदी है यमुना नदी। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा। देखो यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी उत्तराखंड के बंदरपोच चोटी पर स्थित जो है तो यमुनोत्री हिमानी या फिर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, और यूपी में प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था इलाहाबाद। यानी कि आप कह सकते हो कि यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली और यूपी में प्रयागराज में गंगा नदी से जाकर फिर मिल जाती है। ओके, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 119। वेस्टर्न डिस्टरबेंस ऑरिजिनेट ओवर द। तो पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण कहाँ पर होता है? देखो पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 119 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखो पश्चिमी विक्षोभ की अगर बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ जो है तो भूमध्य सागर में जो है तो पैदा होता है, मेडिटेरियन सी में यह पैदा होता है। उसके बाद यह जो है तो काला सागर, सबसे पहले यह काला सागर के ऊपर से जाता है, फिर काला सागर के बाद जो है तो यह कैस्पियन सागर, काला सागर के बाद कैस्पियन सागर के ऊपर से और फिर जा कर के भारत में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले भूमध्य सागर में यह पैदा हुआ, उसके बाद काला सागर के ऊपर से होता हुआ, कैस्पियन सागर से के ऊपर से होता हुआ, उसके बाद जा करके भारत में पहुंचता है। ओके, भारत में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 120 है। द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ। तो इंडो गंगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं, तो देखो ये बने हैं एल्यूवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी के। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज द। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो देखो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अरावली की बात करें तो अरावली जो है तो गुजरात के पालनपुर गुजरात के पालनपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक यह श्रृंखला जो है तो फैली हुई है। ओके, यह श्रृंखला जो है तो फैली हुई है। बाकी यह अरावली पर्वत जो है तो एक वलित पर्वत का एक एग्जाम्पल भी है। ओके, वलित पर्वत का एग्जाम्पल भी आप इसको कह सकते हो। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 122 है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रॉन प्रोडक्शन। निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो झींगा उत्पादन के लिए चिल्का झील जानी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चिल्का झील कहाँ पर है? तो यह उड़ीसा में है। अगले क्वेश्चन की बात करें। सीजनिंग ऑफ वुड इज डन टू रिमूव। तो क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो देखो क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता हटाने के लिए जो है तो कास्ट की पकाई की जाती है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। 124 क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड। निम्न में से भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है भाखड़ा नांगल बांध। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भाखड़ा बांध कहाँ पर पड़ता है? तो भाखड़ा बांध पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 125। इंडियाज पोजीशन इन जूट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इज। तो जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति क्या है? तो देखो विश्व के कुल जूट उत्पादन का अकेले इंडिया जो है तो 55% उत्पादित कर देता है। अकेले अकेले कितना कर देता है? 55%।
इसलिए जूट उत्पादन में भारत में विश्व की स्थिति है फर्स्ट, पहले स्थान पर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो ये तो हो गया फर्स्ट स्थान पर हमारा इंडिया। फिर सेकंड की अगर बात कर ली जाए, सेकंड भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो सेकंड में हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि 41% जो है तो उत्पादित करता है। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा चाइना। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 126, द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर, पद हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो देखो हरित क्रांति से तात्पर्य है रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 127, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी इज सिचुएटेड इन, तो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो देखो हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो ये है पश्चिमी बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। देखो इंडिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कौन सी है, तो वो है जामनगर। जामनगर, ओके जामनगर कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। कई बार ऑप्शन में जो है तो मथुरा, मथुरा भी दे दिया जाता है, तो मथुरा में भी आपको पता होगा ऑयल रिफाइनरी है, तो इसी कारण जो है तो मथुरा को भी दे दिया जाता है। तो ये भी आपको पॉइंट नोट रखना है, मथुरा में भी तेल रिफाइनरी है और सबसे बड़ी कौन सी है, जामनगर। जामनगर कहाँ पर है, गुजरात में। और सबसे पुरानी कौन सी है, भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है डिगबोई में, असम के डिगबोई में। ओके तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। 128 क्वेश्चन, द मिल्की वे आकाश गंगा है, तो देखो आकाश गंगा है इज़ नॉट ए स्टेशनरी, अस्थिर है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। 128 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 129, रडार इज़ यूज्ड इन मिलिट्री ऑपरेशंस टू, सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं, तो क्यों प्रयुक्त होते हैं, लोकेट एनिमी पोजिशन यानी कि दुश्मन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके लास्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट इन विच मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म्ड इज नोन एज, वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियां बनती है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पेरिस्कोप। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पेरिस्कोप वह कहलाता है। ओके तो गाइज ये थे हमारे जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो इस चैनल को अपने भाई बहनों के साथ जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।